हम इलाहाबाद पढ़ते थे तो हमारे घरों में बारिश में छत चूती थी और पॉलिथीन लगाई जाती थी। कई बार मैं कहता था कि एक आध कमरा और बनवा दो, तो कहते थे जब तक पढ़ोगे नहीं हो सकता, दोनों में से एक ही काम होगा। जो गांव में पैदा हो गया ना, उसका तय हो गया है कि वो वहां के अगर स्कूल में पढ़ेगा जिसके स्कूल में मास्टर नहीं है, बाढ़ में डूब गया है उनका स्कूल, हाजिरी लगा करके प्राइमरी के मास्टर से सरकार सब काम ले रही है, जितने विद्यार्थी पर जितने मास्टर होने चाहिए नहीं है, वही एक बच्चा डीयू में पढ़ाई कर रहा है, मल्टीपल ऑप्शन उसके लिए करियर में खुल गए, आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, ये दोनों बराबर कैसे हैं? तो मैं अगर ये बात समाज के लिए नहीं बोलूंगा तो वो कैसे बोलेगा जिसको शिक्षा मिली ही नहीं? वो जो 40,000 लोग जिनके हाथों में किताब गई, उनमें से 4,000 मेरे पास कमेंट आए होंगे मेल पर, फोन पर, किसी ने रोते हुए तो किसी ने बहुत खुश होकर के बहुत सारी दुआएं दी, कुछ आलोचनाएं भी हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा तमगा यही है। एक बार एक किस्सा सुनाता हूँ कि गाय कहीं जा रही थी मेले में बिकने। हमारे यहाँ बलिया में एक बड़ा पशु मेला लगता है, अच्छी नस्ल की गायें आती हैं, वहाँ बिकती हैं और जिसको खरीदना होता है वो ले जाता है, मतलब अच्छी अच्छी नस्ल की, आप पालेंगे ज़्यादा दूध दे। ट्रक पलट के जा रही थी और बाईपास से वो एक जगह अंधेरे में ट्रक पलट गया, गायें सब गाँव वाले लूट ले गए अगल बगल के। किसी ने उस ड्राइवर को बताया कि वो नेताजी, हमारे पिताजी को नेताजी कहते थे सब गाँव में, वही दिलवा सकते हैं। पूरे दिन साइकिल लेके घूम घूम के जिसके यहाँ गाय थी सब छुड़वा के, उनका एक था प्रभाव क्योंकि ईमानदार थे, सारी गायें खुलवा के, मतलब मम्मी बताती है कि 70 या 71 गायें वो लोग गिन के ले आए थे, जिसमें से 64-65 गायें वो वापस करवा दिए। तो जाते समय वो 2 हरियाणा की बहुत अच्छी नस्ल की गाय गिफ्ट दे रहा था पिताजी को कि नेताजी आपने इतना बड़ा मेरी मदद कर दिया, वरना मैं तो लुट जाता, ये मेरी तरफ से एक भेंट रख लीजिए। मेरे पिताजी कहते हैं घूस दे रहा है, अभी बुलवा के मिनटों में फिर लुटवा दूंगा गाय तेरी। अब मुझे नहीं पता कि मेरे पिताजी ने जो ये मूल्य स्थापित किए मेरी जिंदगी में, इसे कौन छीनेगा मुझसे, वो नौकरी छीनेगा। फिर भी पिताजी ये जरूर कहते थे कि पॉलिटिक्स बुरा नहीं है, वो लोहिया और भगत सिंह को मानते थे, और बचपन का पहला सबक मेरे पिता से मैंने सीखा है। तो पॉलिटिक्स बुरा नहीं था, चुनाव तो आज तक मैंने कोई नहीं लड़ा है, अभी तक मैं कोई चुनाव नहीं लड़ा हूं, लेकिन हाँ पॉलिटिक्स बुरा नहीं है ये मैं मानता था। डॉक्टर लोहिया कहते थे अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोग राजनीति के शिकार होंगे। तो डीयू की पॉलिटिक्स बड़ी अजीब थी, उसमें मैं शामिल नहीं हुआ। डीयू का कल्चर अच्छा था, बड़े बड़े कॉलेज, और आपने शुरू में कहा ना कि यहाँ के ऐसे ऐसे कॉलेज थे जैसे हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी भी ना हो, प्राइवेट स्कूल उतने अच्छे भी नहीं होंगे जितने यहाँ सरकारी हैं। ये फर्क है, जो गांव में पैदा हो गया ना उसका तय हो गया है कि वो वहां के अगर स्कूल में पढ़ेगा जिसके स्कूल में मास्टर नहीं है, बाढ़ में डूब गया है उनका स्कूल, हाजिरी लगा करके प्राइमरी के मास्टर से सरकार सब काम ले रही है, जितने विद्यार्थी पर जितने मास्टर होने चाहिए नहीं है, मेरे जिले का सबसे बड़ा डिग्री कॉलेज जो सरकारी था 12 विभागों में से 9 विभागों में एक भी परमानेंट फैकल्टी नहीं थी, मेरे समाज को इसकी चिंता नहीं थी। वही एक बच्चा डीयू में पढ़ाई कर रहा है, मल्टीपल ऑप्शन उसके लिए करियर में खुल गए, आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, ये दोनों बराबर कैसे हैं? एक आदिवासी इलाके से कोई आदिवासी निकल के आया नहीं, कोई दलित परिवार से निकल के आया नहीं, कोई पिछड़ा अति पिछड़ा आया नहीं, खेत में है। जिसमें हम और आप बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ठेला चला रहे हैं, उनको नहीं पता कि देश, संविधान, यूनिवर्सिटी, एजुकेशन। लेकिन मैं अगर सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ के आया हूं कि मेरे देश के यूनिवर्सिटी का शिक्षा मंत्रालय का बजट 7% कम कर दिया गया है, यूजीसी का बजट 60% कम कर दिया गया है, शिक्षा पर अब ये बजट कम होता जाएगा, शिक्षा महंगी होगी, कलम और किताब पर जीएसटी 18% है, तो मैं अगर ये बात समाज के लिए नहीं बोलूंगा तो वो कैसे बोलेगा जिसको शिक्षा मिली ही नहीं? वो एक शेर है ना कि लोग कलमों से बनाते हैं कागजों पर कुएं और उम्मीद ये करते हैं कि पानी निकले। कागज पर कलम से कुआं बनाओगे तो पानी नहीं निकलेगा उससे। तुमने इस देश में एजुकेशन सिस्टम को कोलैप्स किया है, तो ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं जिनके लिए तुम्हें यात्रा के रूट पर नाम वाम लिखवा करके रोज उसको उलझाए रखना है। ए तुम इससे लड़ो, तुम्हारा दुश्मन ये, तुम्हारा दुश्मन, सब आपस में लड़ रहे हैं ना, सारे बेरोजगारों को आपस में लड़ा दो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, और राजा मजा कर रहा है अपने उद्योगपति दोस्तों के साथ।
आपकी बुक में एक किस्सा है, एक लड़का, अपने नाम तो शायद चेंज किया होगा, मोहित नाम से लड़का, कि वो क्लास में सोता है, क्या वो कोई एक रियल किस्सा है या फिर किसी बात को समझाने के लिए वो किस्सा रखा गया है? मैं पहले तो आपका बहुत धन्यवाद करूंगा कि बहुत मन से आप किताब पढ़े हैं। अच्छा लगता है जब विचार लोगों तक जाए। मुझे इस बात से उतनी खुशी नहीं हुई कि 34 दिन में 34,000 किताबें बिक गई हैं। किसी और की किताब होती, उसका नाम लक्ष्मण यादव नहीं कुछ और होता, मेरा इशारा समझिए, उसे अब तक अवार्ड मिल गया होता। इस किताब पर बड़े बड़े जिनके नाम लल्लन पल्लन जो भी हैं और तमाम इन्वेस्टीज हैं, तमाम जो है बड़ी बड़ी मैगजीन हैं जो नैरेटिव सेट करते हैं दिस दैट करके, उन पे इन पे बात होती कि एक प्रोफेसर ने एक डायरी लिखी है जो उच्च शिक्षा और कलम किताब की चिंता करती हुई इतनी वास्तविक है, जो इस समाज की जरूरत है, उस पर बात ही नहीं किया साहब। सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव, सो कॉल्ड मॉडर्न, दिस दैट वो वाले लोग हैं, ऊपर से चिंता मतलब नहीं हो, सबको डर है। लक्ष्मण यादव को हीरो क्यों बनाना, आए लल्लू पल्लू बनाते रहेंगे, उनकी किताबों पर चर्चा करेंगे, लेकिन हाँ अच्छे लोग भी इस सोसाइटी में, केवल बुरे लोग नहीं है। वो जो 40,000 लोग जिनके हाथों में किताब गई, उनमें से 4,000 मेरे पास कमेंट आए होंगे, मैं ज्यादा नहीं बढ़ा के बोल रहा, मेल पर, फोन पर, किसी ने रोते हुए तो किसी ने बहुत खुश होकर के, बहुत सारी दुआएं दी, कुछ आलोचनाएं भी हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा तमगा यही है, मैं चंद 100 लोगों की जिंदगी में एक किताब से अगर 1% भी सकारात्मक बदलाव ले आ पाया तो मेरा लिखना सफल है। मुझे लगा कि एक व्यक्ति के मन में है कि वो उनकी किताब के जरिए कुछ जरूरी बातों पर बातचीत करेगा, यही किस्सा लोगों तक जाएगा। इसलिए मेरी शर्त ये थी कि मैं बनावटी किस्से इसमें न रखूं, जो अपनी आंखों से देखा है वही लिखा है। 10 साल में जो लिखा है उसका असर अगले 100 साल तक होगा, इस किताब को इसलिए पढ़ा जाएगा। खंडहर बन जाएगा जब सरकारी स्कूल, खंडहर में दफन हो जाएंगे सरकारी विश्वविद्यालय, और जब इस खंडहरों को 25 साल बाद, 50 साल बाद अगली पीढ़ी टटोलेगी कि जब ये सब बर्बाद हो रहा था तो कुछ हो रहा था उसके विरोध में कि नहीं, तो वो एक किताब मिलेगी, उसका नाम होगा प्रोफेसर की डायरी, कि एक व्यक्ति था जो प्रोफेसर की डायरी लिखकर अपने समाज को कह रहा था कि बचा सकते हो तो खंडहर होने से अपने स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों को बचा लो। ये एक दस्तावेज है। इसलिए मेरी शर्त ये थी, और अपने से शर्त थी खुद से, कि जो अपनी आंखों से देखा वही लिखूंगा। मोहित की जगह कोई और होगा लेकिन किस्सा सही है। और ऐसे जाने कितने किस्से और हैं इन अकादमिक संस्थाओं में, जो कोई और लिखेगा तो और शानदार होंगे। कितने किस्से कहेंगे, कोई दलित था, उसकी सीट पर कोई राजनीति करके एक दलित को वापस लौटा दिया गया, दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी पूरी करके जाने कितने दलित, पिछड़े, गरीब, कमजोर किसान के बच्चे वापस लौट गए, उन पर कोई बात नहीं कर पाता क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिली, उनका कोई गॉडफादर यहाँ नहीं बैठा था, कौन उनका किस्सा कहेगा। इसलिए इन किस्सों में हकीकत है, किसी ने गहने गिरवी रख के, किसी ने घर, जमीन, जायदाद सब किनारे करके, लोगों के घरों में पेंट नहीं हुए, हम उन घरों के लोग हैं। हम इलाहाबाद पढ़ते थे तो हमारे घरों में बारिश में छत चूती थी और पॉलीथीन लगाई जाती थी। मेरे बड़े पिताजी बाकी लोगों को ले जाकर पॉलीथीन रखते थे और फिर मिट्टी की दीवार बनाते थे। कई बार मैं कहता था कि एक आध कमरा और बनवा दो, तो कहते थे जब तक पढ़ोगे नहीं हो सकता, दोनों में से एक ही काम होगा। तो ये पढ़ाई की कीमत है। ऐसे मोहित का किस्सा बहुत सारा है। उगते सूरज को सलाम करने वाले लोग, उन लोगों के किस्सों पर अक्सर गौर नहीं कर पाते जो फेल हो गए। हर कामयाब आदमी ही महान नहीं होता, कुछ लोग मुहाने पर जाकर चूक गए या चूक साजिश के शिकार हो गए, इसका मतलब वो नहीं कि वो कम काबिल थे। तो इस डायरी में जितने भी ऐसे किस्से हैं, नाम बस बदल दिए, सारे नाम बदल दिए, केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बदला, शहरों का नाम नहीं बदला, पात्रों के सब नाम बदल दिए। किससे हकीकत है, किससे सच्चे।